नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहां पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहां की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं, उनका पूरा देश है। अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए, वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों? हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ती, पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ, इनसे भी तो पूछिए ना ये कौन सी नीति कर रहे हैं। जय हिंद।